सिक्योर्ड एंड वेल्थी टुमारो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लार्ज के फंड्स के बारे में जिसमें आप अपनी लॉन्ग टर्म SIP स्टार्ट कर सकते हो। साथ में बात करेंगे इन सारे लार्ज के फंड्स के रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर्स के बारे में, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सी लार्ज कैप स्कीम सिलेक्ट करना बेस्ट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें मिनिमम 80% एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स को दिया जाता है, और लार्ज कैप स्टॉक्स में उन कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं जो मार्केट कैप के अनुसार टॉप 100 में आती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मिनिमम 50% एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स को मिलना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ऐसे में हमारी पहली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी 11th अक्टूबर 1996 के दिन। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वन ऑफ दी ओल्डेस्ट लार्ज कैप स्कीम भी मानी जाती है, जिसने 22 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, और इसका टर्नओवर है सिर्फ 17%। इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 5,000 रुपीज, और मिनिमम SIP अमाउंट रखी गई है 1,000 रुपीज। एग्जिट लोड विद इन 365 डेज है 1% का, और इसका YTD है 10.46। लमसम इन्वेस्टमेंट पर इस लार्ज कैप स्कीम ने 1 साल में 15.61%, 5 साल में CAGR 10.86% और 10 साल में CAGR 13.77% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। वहीं SIP इन्वेस्टमेंट में 1 साल में CAGR 20.07%, 5 साल में CAGR 12.20% और 10 साल में CAGR 12.88% का इसने रिटर्न निकाल करके दिया है। दोस्तों, लॉन्च होने से लेकर अभी तक में लमसम इन्वेस्टमेंट पर इस लार्ज कैप स्कीम ने CAGR 20.03% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। इस मजेदार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है HDFC टॉप 100 फंड। हमारी अगली लार्ज कैप स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 8 अगस्त 2007 के दिन, यानी कि इसने 11 साल अपने इंडस्ट्री में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इस स्कीम का बेंचमार्क है BAC 100 TRI, इसका रिस्कोमीटर बताता है हाई, और इसका टर्नओवर है 79%। इसमें भी मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपीज, और मिनिमम SIP अमाउंट रखी गई है सिर्फ 500 रुपए। इसमें भी एग्जिट लोड विद इन 365 डेज 1% का है, और इस स्कीम का YTD है 5.82। लमसम इन्वेस्टमेंट पर इस लार्ज कैप स्कीम ने 1 साल में CAGR 10.22%, 5 साल में CAGR 12.86% और 10 साल में CAGR 13.70% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। जबकि SIP इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में CAGR 13.02%, 5 साल में CAGR 11.65% और 10 साल में CAGR 13.96% का इसने रिटर्न जनरेट किया। लॉन्च होने से लेकर अभी तक में इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ने लमसम इन्वेस्टमेंट पर CAGR 11.18% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है रिलायंस लार्ज कैप फंड, जो कि आपको ज्यादातर पुराने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी आसानी से देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली लार्ज कैप स्कीम लॉन्च हुई थी 4th अप्रैल 2008 के दिन, यानी कि इस स्कीम ने भी इंडस्ट्री में 11 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, इसका रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, और इसका टर्नओवर है सिर्फ 41%। इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपीज की, और मिनिमम SIP अमाउंट रखी गई है 1,000 रुपीज। इस स्कीम में भी 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड, और इसका YTD है 7.17 का। लमसम इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में CAGR 10.22%, 5 साल में CAGR 14.68% और 10 साल में CAGR 17.61% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। जबकि SIP में 1 साल में CAGR 15.33%, 5 साल में CAGR 13.77% और 10 साल में CAGR 16.32% का इसने रिटर्न जनरेट किया है। लॉन्च होने से लेकर अभी तक लमसम इन्वेस्टमेंट पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने CAGR 15.75% का रिटर्न जनरेट किया है। वैसे तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम साल 2008 के अंदर एज ए मल्टी कैप फंड लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इसको लार्ज कैप कैटेगरी का फंड बना दिया गया है, जिसका नाम है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। हमारी अगली बेस्ट लार्ज कैप स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 23rd मई 2008 के दिन, यानी कि इस स्कीम ने भी इंडस्ट्री में 11 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इसका भी बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, रिस्कोमीटर बताता है मॉडरेटली हाई, और टर्नओवर है सिर्फ 33% का। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 100 रुपीज की, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी रखी गई है 100 रुपीज की, और मिनिमम SIP अमाउंट भी स्कीम में रखी गई है सिर्फ 100 रुपीज। विद इन 365 डेज 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है, और इस स्कीम का YTD है 5.82।
लमसम इन्वेस्टमेंट पर एक साल में 7.52%, पांच साल में CAGR 11.48% और 10 साल में CAGR 14.90% का रिटर्न इससे अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया। जबकि SIP इन्वेस्टमेंट पर एक साल में 11.55%, पांच साल में CAGR 11.14% और 10 साल में CAGR 13.46% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। लॉन्च होने से लेकर अभी तक में लमसम इन्वेस्टमेंट पर इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम ने CAGR 14.04% का रिटर्न जनरेट किया है। इस बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बहुत ही पसंदीदा स्कीम मानी जाती है। हमारी आखिरी बेस्ट लार्ज कैप स्कीम है, जो कि लॉन्च हुई थी 5th जनवरी 2010 के दिन, यानी कि इसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 9 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 TRI, जिसका रिस्कोमीटर है मॉडरेटली हाई और इसका टर्नओवर है 113%। इसमें भी मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 5,000 रुपीज की, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखी गई है 100 रुपए की और मिनिमम SIP अमाउंट रखी गई है 1,000 रुपीज। इसमें भी 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है और इसका YTD है 9.99 का, जो की बहुत ही बेहतरीन है। लमसम इन्वेस्टमेंट पर एक साल में 10.52%, तीन साल में CAGR 15.17%, पांच साल में CAGR 12.20% और सात साल में CAGR 16.46% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया। और SIP में एक साल में 17.70%, तीन साल में CAGR 16.11%, पांच साल में CAGR 13.50% और सात साल में CAGR 14.87% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। लॉन्च होने से लेकर अभी तक में लमसम इन्वेस्टमेंट पर CAGR 12.20% का रिटर्न इस स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। दोस्तों, अपने रिटर्न्स की वजह से पिछले 3-4 सालों में ये लार्ज कैप स्कीम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है, जिसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। चलिए अंत में बात करते हैं इन पांचों लार्ज कैप स्कीम्स के रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर्स के बारे में। दोस्तों, इन पांचों स्कीम में से जो सबसे कम वॉलेटाइल है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, जो कि है सिर्फ 11.06 का। शार्पे रेशियो के हिसाब से सबसे अच्छी स्कीम है मिरा एसेट लार्ज कैप फंड और सोटिनो रेशियो के हिसाब से सबसे अच्छी लार्ज कैप स्कीम है HDFC टॉप 100 फंड। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा और बीटा। बीटा यानी कि रिस्क फैक्टर में सबसे अच्छी स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली स्कीम है HDFC टॉप 100 फंड। और रिटर्न फैक्टर यानी कि अल्फा की बात करें तो दोस्तों, सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट किया है रिलायंस लार्ज कैप फंड ने और सबसे कम अल्फा है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन पांचों लार्ज कैप स्कीम्स का अल्फा पॉजिटिव में है। इस हिसाब से दोस्तों, ये पांचों लार्ज कैप स्कीम्स अपने आप में यूनिक स्कीम्स है और इसलिए इस इमेज को ध्यान में रख के किसी एक लार्ज कैप स्कीम को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो जिसको मार्केट का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तब भी आपको ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ही सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हो। मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, जो कि एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड हुआ करता था, इसमें अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आगे भी बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो HDFC टॉप 100 फंड, रिलायंस लार्ज कैप फंड या मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, तीनों में से कोई भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पांचों में से किसी भी एक या दो म्यूचुअल फंड स्कीम में अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कुवेरा का यूज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।